हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी की अगली क्लास की ड्रग के बारे में, जो कि है हमारी एंटी लेप्रोटिक क्लास की ड्रग चालमुग्रा है। दोस्तों, यहां पर हम कवर करेंगे इसके फोर स्टेप्स के बारे में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे इसका साइनोनेम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंसिस्टेंट और इसके यूज के बारे में। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर लेप्रोसी डिजीज क्या होती है और ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज की जाती है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द लेप्रोसी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेप्रोसी को हिंदी में हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज किया जाता है बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसको कि सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1873 में एक हमारे साइंटिस्ट थे जीएच हैंसन। ठीक है, और इन्हीं के नाम से इसका एक तीसरा नाम भी है जो कि इसके साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जीएच हैंसन। और इसीलिए इस डिजीज को हम हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप सिम्टम्स देखना चाहते हैं कि आखिर लेप्रोसी डिजीज में क्या होता है, कुष्ठ रोग में क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे एक पेशेंट की पिक है जो कि लेप्रोसी से ग्रसित है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आती हैं हमारे लेप्रोसी डिजीज में। दोस्तों, ये था शॉर्ट में लेप्रोसी के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स चालमुग्रा ऑयल के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इसका साइनोनेम्स। तो इसका साइनोनेम्स होता है हिडनोकार्पस ऑयल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमें तीन चीजें बतानी होती हैं। पहला, कि हम प्लांट के किस पार्ट से ड्रग को कलेक्ट करते हैं, दूसरा उसका बॉटनिकल नेम क्या है, और तीसरा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट पार्ट आपका हो जाता है राइप सीड्स। ठीक है, हिडनोकार्पस सीड्स को हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चालमुग्रा ऑयल। दूसरा है इसका बॉटनिकल नेम, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है हिडनोकार्पस वेटियाना। ठीक है, तीसरा इसकी फैमिली, ये बिलोंग करता है फैमिली फ्लोकॉर्डिएसी से। ठीक है, तो अगर कलेक्टिवली बोले हम कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम द राइप सीड्स ऑफ हिडनोकार्पस वेटियाना व्हिच बिलोंग्स टू फैमिली फ्लोकॉर्डिएसी। दोस्तों, चालमुग्रा ऑयल के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। ठीक है, कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड के द्वारा चालमुग्रा ऑयल को प्राप्त किया जाता है। तो ये था इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कि आखिर वो कौन से केमिकल्स हैं जिनके द्वारा ये अपना एंटी लेप्रोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे केमिकल्स हैं हिडनोकार्पिक एसिड, चालमुग्रिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारे मिक्सचर्स हैं फैटी एसिड्स के। ठीक है, अदर केमिकल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये थे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो सबसे पहले इसका यूज हो जाता है एज अ एंटी लेप्रोटिक ड्रग। ठीक है, क्योंकि एंटी लेप्रोटिक क्लास की ड्रग है, तो सबसे पहला यूज हो जाएगा इन द लेप्रोसी। ठीक है, दूसरा इसका यूज है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए चालमुग्रा ऑयल जो होता है, हिडनोकार्पस ऑयल जो होता है, ये टीबी में भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो दोस्तों, ये था ऑल अबाउट द चालमुग्रा ऑयल।